नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। गलवान में युद्ध जैसे के हालात बने, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। उसी का नतीजा है कि अब भारत ने जल, थल और नभ तीनों जगह अपनी सीमाओं को दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इसीलिए भारत ने पहली थिएटर कमान को तैयार कर लिया जो अगले साल के शुरुआत में आएगा। पहली थिएटर कमान का नाम मैरीटाइम कमान होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ समुद्री इलाकों की सुरक्षा करनी होगी। इस कमान को बनाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि सेनाओं में हो रहे सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर कमान बनाए जाने। इनमें चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमान, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमान और दक्षिण भारत के लिए पेंसुएला थिएटर कमान शामिल। समुद्र और द्वीपों की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमान, हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस थिएटर कमान बनेगी। सूत्रों की माने तो इन 5 कमान के बनाने का कार्य पूरा होने के बाद एक स्पेस थिएटर कमान एवं एक लॉजिस्टिक थिएटर कमान भी बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार मैरीटाइम थिएटर कमान बनाने का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है और इसमें तीनों सेनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। जल्द ही अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। आपको जानकारी हो कि देश में अभी तक एक ही कमान जिसका नाम अंडमान निकोबार कमान, जिसमें तीनों सेनाएं पहले से ही शामिल, लेकिन इस कमान का क्षेत्र काफी कम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की माने तो मैरीटाइम कमान को बनाने का कार्य तेजी पर। अन्य कमानों के मुकाबले जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे उम्मीद है कि जो पहली थिएटर कमान आकार लेगी वो मैरीटाइम कमान होगी। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि चीन और अमेरिका की तर्ज पर ये थिएटर कमान बनाई जा रही, क्योंकि चीन के पास इस वक्त 5 थिएटर कमान। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों इसकी जरूरत है और इसकी क्या खासियत और ये कमान क्या कर सकते हैं और समंदर में चीन को कैसे जवाब दिया जा सकता है।